दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप और लगातार इसके संक्रमण के खतरे को देखते हुए नालंदा जिला अधिवक्ता संघ ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 22 अप्रैल से आगामी 1 मई तक नालंदा जिला अधिवक्ता संघ ने अपने आप को न्यायिक कार्यों से अलग रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान नालंदा जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में पूर्ण रूप से तालाबंदी रहेगी। बिहार में कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण का रफ्तार इतना तेज है कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है और खुद को सुरक्षित रखना ही अपने आप में एक उपचार है। नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के सचिव कमलेश कुमार ने बताया कि अधिवक्ता संघ के सदस्यों के द्वारा दिए गए सामूहिक आवेदन के आलोक में कार्यकारिणी समिति के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 22 अप्रैल से आगामी 1 मई तक नालंदा जिला अधिवक्ता संघ बिहार शरीफ के सभी सदस्य अपने आप को न्यायालय के कार्य से अलग रखेंगे और संघ परिसर पूर्ण रूप से तालाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत अन्य संबंधित न्यायालय तथा कार्यालयों को प्रेषित किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां खुद के साथ साथ जनहित को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नालंदा जिला अधिवक्ता संघ ने बड़ा फैसला लिया है और 22 अप्रैल से आगामी 1 मई तक कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपने आप को न्यायिक कार्यों से अलग रखने का फैसला किया है। तो हम आपको बताते चले कि पूर्ण रूप से नालंदा जिला अधिवक्ता संघ में तालाबंदी रहेगी और इस दौरान अधिवक्ता जो है, वकील जो है, वो अपने आप को न्यायिक कार्यों से अलग रखेंगे। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।